प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं एडवोकेट इवेंजलिस्ट विनीता फ्रॉम न्यू दिल्ली अपने स्पेज प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं अपने भाई आशीष का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं बाइबल की कहानियों को आप सबके साथ में परमेश्वर के बड़े स्वभाव में होकर, परमेश्वर के बड़े इंस्पिरेशन में होकर आप सबके साथ बाइबल के इन कहानियों को बांट सकूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर की इन कहानियों को आपके साथ में बांटती हूं और परमेश्वर के वचनों को इन कहानियों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में प्रभु बहुत महान है, हम जितना भी उसका धन्यवाद करें उतना कम है। ये कहानियां सिर्फ बाइबल की कहानियां नहीं है, ये वो है जो हमारे जीवन का आधार है और जो हमें शक्तिशाली बनाती है, जो हमें प्रभु पर भरोसा रखना सिखाती है, ये वो कहानियां है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए और अपने मन को तैयार करें कि हम अपने परमेश्वर की इस वचन को कहानियों के द्वारा समझ सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी थैंक यू। गुड इवनिंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हम अपने बीच में आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु आज हम आपकी इस कहानी को, आपके उस वचन को प्रभु जो आपने कलाम के द्वारा हम सबको दिया है, हम इसे इज्जत, आदर और मान देते हैं क्योंकि सब कुछ बदल सकता है, आपके वचन कभी नहीं बदल सकते। वी थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप योर होली नेम लॉर्ड, वी वर्शिप योर होली नेम। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद रखेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, एक छोटे से गीत में चलेंगे परमेश्वर के साथ ताकि हम अपने आप को प्रभु की हुजूरी के लिए तैयार कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, उनको तो वो ही संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, उनको तो वो ही संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वी थैंक यू लॉर्ड, लॉर्ड वी थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग, फॉर दिस ब्यूटीफुल डे दैट यू हैव एडेड इन आवर लाइफ। थैंक यू लॉर्ड फॉर द ब्यूटीफुल स्टोरीज दैट यू हैव गिवन अस थ्रू योर स्पिरिट। लॉर्ड वी मे बिकम मोर पावरफुल, मोर स्ट्रेंथन बाय रीडिंग इट। होने दे परमेश्वर, इन्हें पढ़ने के द्वारा, इन्हें सुनने के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा आप में बढ़ते चले जाएं। वी ग्लोरिफाई योर नेम, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं इस गीत को गा रही थी, परमेश्वर ने मुझे एक नाम दिया, अपना बोझ प्रभु पे डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा और आश्चर्य कर्म करेगा। जहां आदर मान की बारी आई तो मुझे नाम याद आया डैनियल का। आप सबको याद होगा डैनियल का नाम, डैनियल जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो और डैनियल, ये चार लोग जो बेबीलोन की बंधुआई में आ गए थे। यहूदा के देश के ऊपर बेबीलोन के राजा ने जब अटैक किया तो वहां से वो इन चार लोगों को भी उस बंधुआई में लेकर आया। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि डैनियल जो था उसके अंदर कुछ अलग तरीके की बुद्धि थी,
जो परमेश्वर के योग्य बुद्धि थी, जो प्रभु के समान बुद्धि थी, वो बुद्धि डैनियल के अंदर काम करती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि राजा जो नबुकदनेस्सर था, जो राजा था बेबीलोन का, उसने एक ड्रीम देखा, एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न के अंदर उसने बहुत कुछ देखा, जिसे देखने के बाद वो समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब होगा। और बाइबल बताती है कि उसने अपने सारे प्रांत के जितने भी पंडित थे, जितने भी भावी कहलाने वाले थे, जितने भी शास्त्री थे, जितने भी और लोग थे, उन सबको उसने बुलवा भेजा और उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है, जो ड्रीम मैंने देखा है, मुझे उसका अर्थ बताओ। अब बहुत सारे लोग आए, जितने भी पंडित थे, जितने भी भावी कहलाने वाले थे, जितने भी इसके वहां के प्रकांड विद्वान थे, स्क्राइब्स थे, वो सब आए। लेकिन साथ के साथ इस राजा ने एक कंडीशन और रख दी। इसने कहा, तुम मुझे सिर्फ अब अर्थ ही नहीं बताओगे, तुम मुझे ये भी बताओगे कि मैंने सपना देखा क्या है। इट वॉज वेरी क्रिटिकल कंडीशन, ये बहुत एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन इस राजा ने पैदा कर दी वहां पर। और सारे के सारे पंडित, सारे के सारे भविष्यवाणी करने वाले, भविष्यद्वक्ता, जो अन्य अन्य देवी देवताओं को मानते थे, वो सब के सब घबरा गए। और राजा ने कह दिया, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम सबको मरवा डालूंगा। इट वॉज रियली वेरी वेरी हॉरिबल कंडीशन फॉर द स्क्राइब्स, फॉर द पंडित्स एंड ऑल अदर्स। इन सबके लिए बड़ी डर की बात थी। और ये खबर डैनियल के कान में भी पहुंची। बाइबल बताती है डैनियल के पास भी ये खबर पहुंची, क्योंकि डैनियल भी उनमें से एक था, क्योंकि डैनियल के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा काम करता था। तो कहीं ना कहीं अगर उन राजाओं का, अगर उन विद्वानों का अंत होता, उन पंडितों का अंत होता, तो डैनियल का भी होता और शद्रक मेशक अबेदनगो का भी होता। इस बात से डैनियल के अंदर एक फियर पैदा हुआ और उसने एक बात कही, और मैं आपके साथ पढ़ूंगी सेकंड डैनियल और उसका 17 चैप्टर आपके साथ पढ़ूंगी। और वहां लिखा है, तब डैनियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, मिशाएल, अजरिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग डैनियल और उसके संगी भी नष्ट ना हो जाएं। तब ये भेद डैनियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे डैनियल ने अपने लिए प्रार्थना नहीं करी, डैनियल ने सबके लिए प्रार्थना करी। डैनियल ने सिर्फ यही नहीं कहा, प्रभु कि हम ना मारे जाएं, हम बच जाएं। डैनियल ने कहा, प्रभु कोई भी ना मारा जाए, सब बच जाए। और उसने कहा, प्रभु तेरे अलावा कोई भी इस भेद को हम पे प्रकट नहीं कर सकता। और बाइबल बताती है कि रात को जब डैनियल ये प्रार्थना करके सो गया, रात को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा डैनियल को सारा का सारा दर्शन, उसकी बातें, उसका इंटरप्रिटेशन सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया, यू नो। और डैनियल ने उन सारी बातों को राजा के सम्मुख खड़े होकर बड़े गर्व के साथ सुना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डैनियल ने जब एक तरफ सारे पंडित, सारे जितने भी वहां के भावी कहलाने वाले भविष्यद्वक्ता थे, जो भी वहां के सो कॉल्ड पंडित से, जब एक तरफ उन सब ने अपनी होप छोड़ दी थी, अपनी आशा छोड़ दी थी, अब उन्हें लग रहा था कि राजा का ऐलान, मतलब राजा की जो डिक्री है, जो राजा का ऑर्डर है, अब उसे कोई भी सेट असाइड नहीं कर सकता, कोई उसे साइड में नहीं कर सकता। अब जो राजा ने कह दिया सो कह दिया, अब हम सब मारे जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम डैनियल था, जिसको ये पता था, अगर कोई बचा सकता है, अगर कोई अलग कर सकता है इस डिक्री को राजा की, अगर इस राजा की डिक्री को कोई वॉइड कर सकता है, कुछ नलिफाइड कर सकता है, कोई रद्द कर सकता है, तो वो स्वर्ग में बैठा हुआ हमारा परमेश्वर यहोवा राजा है, वो ही कर सकता है। और बाइबल बताती है कि उसने अपने दोनों तीनों दोस्तों से कहा, आओ हम मिलकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वो ही भेदों को प्रकट कर सकता है। हालेलुया। और डैनियल ने, जब परमेश्वर ने सारी बातों को उस पर प्रकट किया, तो डैनियल ने एक बात कही। डैनियल ने कहा, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम
उसी के हैं। हालेलुया। उसने एक बात बोली, उसने कहा परमेश्वर का नाम धन्य है क्योंकि बुद्धि और पराक्रम, विजडम एंड नॉलेज सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलता है। और उसने कहा समय को और ऋतुओं को, सीजन्स को और टाइमिंग्स को अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो यहोवा परमेश्वर कर सकता है। और उसने कहा बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को वही समझ देता है। और 22 में लिखा है वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके साथ प्रकाश सदा बना रहता है। ये है आपके खुदा की खूबियां जो डैनियल ने परख कर परमेश्वर को पाई और उसने लिख दिया। उसने कहा अगर कोई समय को बदल सकता है, अगर कोई टाइम को बदल सकता है, टाइम क्या था उन सबके सामने? मृत्यु का। मृत्यु तैयार थी राजा के द्वारा, राजा के द्वारा मृत्यु का ऐलान हो चुका था, अब ये सब मारे जाते, लेकिन अगर इस समय को किसी ने बदला वो यहोवा परमेश्वर था। और डैनियल ने कहा कि उसने लिखा, उसने कहा कि अगर अंधियारे को उजाले में कोई बदल सकता है तो वो यहोवा परमेश्वर है। आज इस कहानी के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात करी, प्रभु ने मुझसे कहा कि कोई भी चीज मनुष्य के लिए असंभव नहीं हो सकती अगर वो अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारे। डैनियल हालांकि वो बंधुआई में था, हालांकि वो स्लेवरी के अंदर था, हालांकि वो दूसरे राजा के अधीन था, लेकिन राजा उसके ऊपर हुकूमत नहीं कर रहा था, उसके ऊपर उसका यहोवा रेन कर रहा था, यहोवा राज्य कर रहा था। आज मैं और आप किसी किसी के अंडर में हो सकते हैं, किसी किसी चीज के दबाव में हो सकते हैं, किसी चीज के प्रेशर में हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए जब आप अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारेंगे वो आपके लिए सीधा मार्ग बनाएगा। कोई आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकता, कोई आपको दबा नहीं सकता, कोई आपको तोड़ नहीं सकता अगर आपका ईमान और विश्वास अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर है। और बाइबल बताती है कि सारी बातें डैनियल ने जाकर राजा को ज्यों की तू सुना दी, जो कुछ उसने देखा उसने जाके सब कुछ बता दिया और राजा देखता रह गया। राजा की सरप्राइज का कोई अब उसके उस इतना ज्यादा वो सरप्राइज हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो चीजें मैंने अपने शयन कक्ष में देखी हैं, जो मैंने अपने बेडरूम में देखी हैं, जो मैंने अपनी नींद में देखी हैं, वो इस आदमी के ऊपर कैसे प्रकट हो गई और कौन प्रकट कर गया? यहोवा के अलावा, आपके और मेरे परमेश्वर के अलावा कौन है जो इन गुप्त बातों को प्रकट कर सके? हालेलुया। और आपको पता आगे चलकर इसी राजा ने डैनियल के द्वारा सारे पंडितों की जान बख्शी और इसी डैनियल को एक बहुत ऊंचा एक पद मिला, एक ऐसी पोजीशन दी कि वो एक ऊंचे पद पर बिठा दिया गया, चीफ बन गया वहां का, सबके ऊपर सरगना बन गया। और तो और इसी डैनियल के द्वारा परमेश्वर को बहुत महिमा मिली और वहां के राजा ने ये कह दिया कि अब इस प्रांत में हर कोई यहोवा का नाम का भय मानेगा। और उसने कहा, नबुकदनेज़र ने कहा, यहोवा परमेश्वर के अलावा मैं जान चुका हूं कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है जो इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करे। हालेलुया। यह है वो कहानी का सारांश। ये डैनियल की मैंने छोटी सी आपके साथ में एक ब्रीफिंग निकाली, हालांकि डैनियल की जब आप कहानी आगे पढ़ेंगे अलग अलग चीजें, अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग चैलेंजेस हैं, लेकिन हर चीज में यहोवा ने उसको जयवंत किया। और यहां पर परमेश्वर ने उसको निकाला उस ड्रीम में, उस स्वप्न में परमेश्वर ने उसे सब कुछ बता दिया जिसके लिए वो दुखी हो रहा था। और डैनियल ने सिर्फ अपनी ही जान नहीं बचाई, डैनियल ने सबकी जान बचा ली। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। ये कहानी डैनियल की, ये कहानी मेरी और आपकी भी हो सकती है। हम भी कई बार ऐसी नाना प्रकार की ऐसी बातों में फंस जाते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। कन्फ्यूजन होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, अंधेरा होता है हमारी लाइफ के अंदर, हमें लगता है हमारा समय नहीं बीत रहा, हमें लगता है हमारा सीजन कब बदलेगा, हमारे जीवन का ये टाइम कब बदलेगा। प्रभु पिछले कितने सालों से मैं एक ही टाइम, एक ही सीजन, एक ही तरीके के वातावरण में जी रही हूँ, कितने प्रेशर में जी रहा हूँ, कितने दबाव में जी रही हूँ। लेकिन डैनियल की पुस्तक में लिखा है कि अगर समय को और ऋतुओं को कोई बदल सकता है तो यहोवा परमेश्वर है, अगर अंधियारे को उजाले में बदल सकता है कोई तो वो यहोवा परमेश्वर है। कितना साफ डैनियल ने लिख दिया।
क्योंकि डैनियल के साथ एक्सपीरियंस हुआ था। डैनियल की गर्दन कटने पर थी, लेकिन यहोवा ने उसकी गर्दन को ऊंचा किया। आज मेरे प्रियो, इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज हमें अपनी लाइफ के अंदर हम किस समस्या से गुजर रहे हैं, हमारे जीवन का क्या क्या ऐसी बात है जो हम किसी से नहीं कह सकते। कई बार सिचुएशंस ऐसी होंगी आप किसी से कुछ नहीं कह पाओगे, आप लोग आपसे पूछेंगे लेकिन आपके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन आपके पास अगर आपको जवाब चाहिए ना, तो जवाब के लिए आपको यहोवा के पास आना पड़ेगा। कम टू द लॉर्ड, अपने परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर आपको सब कुछ बताएगा, सब चीजों में बाहर रास्ता निकालेगा और आप जयवंत होकर बाहर निकलोगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। सच में प्रभु, आसमान और जमीन पर यदि कोई अधिकार रखता है तो वो सिर्फ अकेला तू है। अगर हमारे मनों की छुपी हुई बातों को कोई जानता है तो यहोवा परमेश्वर वो तू है, जिसे यीशु ने हमारे जीवन में प्रकट किया है। वी थैंक यू डैडी अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इन सुंदर कहानियों के लिए जो आज भी जीवित है, क्योंकि तेरा वचन जीवित है और तू सर्वदा एक सा है। जो तू कल था वो तू आज है और वो सर्वदा रहेगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अपनी आत्मा के द्वारा हमें अपने साथ जोड़ के रखता है ताकि हम भटक ना जाएं। आज सुनने वाले सारे भाई और बहनों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। इनकी चाहे कोई भी समस्या है, बीमारी है, तकलीफ है, उसे यीशु के नाम से रिब्यूक करती हूँ और पिता के हाथ में इनके जीवन को देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले, जैसे डैनियल के द्वारा आपको महिमा मिली, इनके जीवन से भी आपको महिमा मिले। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल हम यीशु के नाम को देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस कहानी के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। डैनियल का खुदा मेरा खुदा, डैनियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर और आपका भी परमेश्वर, जो ना कभी बदलता है ना कभी बदलेगा। गुण बातों को अगर कोई समझ सकता है, उन बातों को अगर कोई बता सकता है, तो वो सिर्फ डैनियल का परमेश्वर, मतलब यहोवा परमेश्वर है। इसलिए किसी बात की चिंता ना करें, आपके पास खुदा है जो ना तो कभी आपको छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। आपके सीधे आपके लिए सीधा मार्ग बनाएगा और आपकी अगुवाई करेगा और आपको लिए चलेगा। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।